हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोहन चैनल डेली स्टॉक। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेट इज SBI के मार्केट में क्वार्टरली वन रिजल्ट मार्केट में आ चुके हैं। सो इस रिजल्ट के आने के बाद आपको शेयर के अंदर किस तरह का मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और लॉन्ग टर्म विजन आपका क्या होना चाहिए, तो वो सब बात करने वाले इसी वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डेट इज डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जो कंपनी के नेट प्रॉफिट से क्वार्टरली बेसिस पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कंपनी के नेट प्रॉफिट 0.8% यहाँ पर बढ़कर हो चुके 6,504 करोड़ रुपीस। तो ये तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात होगी। बट उसके साथ साथ में जो कंपनी के नेट प्रॉफिट से ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से उसके अंदर भी आपको बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर आपको 55% का राइज देखने को मिल रहा है। और जो नेगेटिव बात है वो क्या है कि डेट इज कंपनी जो GNPA डेट इज ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर वो थे 4.98% जो कि इस क्वार्टर में बढ़कर हो चुकी है 5.32%। एज वेल एज जो कंपनी के नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो भी पिछले क्वार्टर में 1.5% थे और इस बार इस क्वार्टर में बढ़कर हो चुके 1.77%। और जो कंपनी का जो कंपनी का प्रोविजन है उसमें भी आपको क्वार्टरली बेसिस पर 49% का यहाँ पर आपको फॉल देखने को मिला है। ऑल दो अच्छी बात ये कि मार्केट में अभी तक इसके अंदर कोई ज़्यादा मोमेंटम अभी तक आपको देखने को नहीं मिला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर के अंदर। ऑल दो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पर आपको जरूर बनते हुए देखने को मिल रहा है अपसाइड डायरेक्शन के अंदर और एक अच्छे खासे ब्रेकआउट लेवल पर भी करंटली मार्केट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर जो है मार्केट में करंटली ट्रेड कर रहा है। डेट इज एक लार्ज कैप स्टॉक है जिसका जो मार्केट कैपिटलेशन है वो है 3,97,412.95 करोड़ का मार्केट कैप है। ऑन द फेस वैल्यू ऑफ 1 रुपीज डिविडेंड यील्ड इसका 0.9%। बीटा है इसका 1.54 जो कि आपको बताता है कि अगर इंडेक्सेस के अंदर अगर आपको 1% का मोमेंटम देखने को मिलता है तो इस शेयर के अंदर भी आपको ऑन एन एवरेज बेसिस पर 1.54% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर मैं इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से कंपेयर करूं इस शेयर को, इस इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग चल रहा है 18.96 और इस शेयर का प्राइस टू अर्निंग चल रहा है 19.47 के नियर बाय। प्राइस टू बुक भी इसका काफी अच्छा है, 1.73 का प्राइस टू बुक है और बुक वैल्यू शेयर की 258.05 रुपीज। अगर मैं इस कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करूँ डेट इज 2020 में भी ऑल दो कोविड सिचुएशन होने के बावजूद भी कंपनी जो भी टॉप लाइन है उसके अंदर भी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस की सबसे काफी अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और जो कंपनी की बॉटम लाइन डेट इज 2020 से 2021 में भी अगर हम देखते तो ऑलमोस्ट 10% के यहाँ पर आपको जो कंपनी के प्रॉफिट्स है वो यहाँ पर आपको राइज होते हुए देखने को मिल रहा है। और जो कंपनी की टॉप लाइन है बॉटम लाइन और कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंटेशन है वो काफी इधर पॉजिटिव नजर आ रहा है। करंटली नियर बाय शेयर 445 के नियर बाय करंटली मार्केट में शेयर ट्रेड हो रहा है। अगर ये मोमेंटम अगर कंटिन्यू करता है अपसाइड डायरेक्शन के अंदर तो आपको नए हाई प्राइस आपको इस शेयर के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। और होप करता हूं कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो मार्केट में अभी जो क्वार्टरली वन रिजल्ट आ चुके हैं वो आपको अच्छे से पता चल गए होंगे और उसके ऊपर आपको क्या डिसीजन लेना है एज अ इन्वेस्टर वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर मैं यहां पर एकदम अच्छे से अगर लेवल्स की बात करूं तो करंटली 444 के आसपास करंटली मार्केट में चल रहा है, अच्छे से ब्रेकआउट लेवल पर ही ट्रेड कर रहा है। अगर इसमें नेगेटिव सेंटीमेंट बना रहा है तो मेरे हिसाब से और इसमें गिरावट आ सकती है 430 के प्राइस लेवल या फिर 425 तक भी आ सकता है। बट अगर सस्टेन करता है एक अच्छे से पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ तो आपको बहुत ही अच्छा सा मोमेंटम आपको यहाँ पर अपसाइड डायरेक्शन के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। सो होप करता हूँ कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो मार्केट में जो क्वार्टरली वन रिजल्ट आया है वो आपको अच्छे से समझ गए होंगे और उसके ऊपर आपको क्या डिसीजन लेना है एज अ इन्वेस्टर वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।